गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमावत है और आज से हम लोग फॉर्मल टीचिंग ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। हम लोग आने वाले 7 दिन जो है वो टीचिंग ट्रेनिंग पर हम लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे। हम हमारी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सके उस बारे में हम लोग जो है बातचीत करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये 7 दिनों में हम 7 कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। और ये 7 कॉन्सेप्ट यदि हमारे पास हैं या हमने इसको अच्छे से देखा है, अच्छा समझा है, तो मैं श्योर हूँ कि आप बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट जो है आपकी टीचिंग में ला पाएंगे। खैर, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मेरा नाम सुनील कुमावत है। मैंने MBA, MCOM और MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है। पिछले 12 ईयर्स से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और पिछले 5 साल से एज ए प्रिंसिपल कम टीचर में जो है सर्व कर रहा हूँ। डिफरेंट मतलब कहीं की 2 CBSE स्कूल में मैंने सर्व किया है और बीइंग ए टीचर मैंने जो है 4 स्कूलों में सर्व किया है अभी तक। और मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100% मार्क्स भी लाए हैं। और मार्क्स तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो CA बन चुके हैं या वो IIM से पास आउट हैं और वो अपने करियर में खुश है और इस बात की मुझे खुशी है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं टीचिंग को गहराई से समझता हूँ और तभी मैं आपको कोई ज्ञान बांटने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी ज्ञान बांटने से पहले हमें उस फील्ड में उतर जाना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसके बाद दूसरों को जो है ज्ञान बांटना चाहिए। खैर, शुरुआत करते हैं हमारे ज्ञान बांटने की और शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे टीचिंग की। यदि हमारे टीचिंग को हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। और फॉर्मूला इसलिए बनाया है ताकि हम जो है चीज़ों को आसानी से बता पाए। और वो फॉर्मूला है 7C, 7C ऑफ टीचिंग। कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने 7C का फॉर्मूला दिया है। सी हमने मतलब पहला वर्ड जो है लिया है सी, तो हम पहले बात करते हैं इन 7C में जो सबसे पहला सी है। पहला सी है कंटेंट। आपके पास कंटेंट होगा तभी तो आप अच्छा पढ़ा पाएंगे। आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप बांट पाएंगे। एक भिखारी दूसरे को भीख दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। जिसके पास होगा वही दे पाएगा। I mean to say कि यदि हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास नॉलेज है, तब ही हम दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे को ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली और फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज़ है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं वो सब्जेक्ट का आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए और उस पर आपकी कंटिन्यूस जो है आपकी स्टडी चलते रहना चाहिए। उसका भरपूर कंटेंट आपके पास होना चाहिए। आज आप एक फिल्म देखने गए, वो फिल्म में बड़े कितने ही बड़े कलाकार हो, कितने ही बड़ा उसका जो है मतलब कहीं खूब खर्चा किया और बड़ा मेगा पिक्चर बनाई हो, लेकिन यदि उस पिक्चर में कहानी नहीं है, उसमें अच्छे डायलॉग नहीं है, उसमें जो है अच्छे गाने नहीं है, I mean to say कि इसमें यदि उसका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपको वो पिक्चर कभी पसंद नहीं आएगी। आएगी क्या बताइए आप? आएगी क्या? जिस पिक्चर में कंटेंट नहीं होगा, जिस पिक्चर में जो है कहानी नहीं होगी, अच्छे कला मतलब कहें डायलॉग नहीं होंगे, वो पसंद आएगी क्या आपको? बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो आप जब पढ़ाने जा रहे हैं, इट मीन्स ये ज़रूरी है कि आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए कंटेंट ज़रूरी है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट की आपको गहराई से समझ होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं 1-2 दिन पहले ही मैंने 1-2 इंटरव्यू लिए। वो मैडम जो है सोशल साइंस पढ़ाती हैं और वो किसी स्कूल में बोले हम 1-8 पढ़ाते हैं
अब 1 to 8 में वो मतलब EVS वगैरह भी पढ़ाते होंगे और तो जो है सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अभी जो चुनाव हुए हैं, अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं, तो ये चुनाव किसके हो रहे हैं? तो बोले कि प्रधानमंत्री के। मैंने बोला प्रधानमंत्री में इसमें हम चुनते किसको हैं? तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, बोले कि हम मुख्यमंत्री को चुनते। अरे मैंने कहा मैडम क्या क्या अंधकार मचा रखा आपने है। फिर जो है मैंने कहा आप भी तो वोट देने गए होंगे? बोले मैं वोट देने ही नहीं गई। मैंने कहा आप तो बड़े गैर जिम्मेदार हैं यार, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को तो टीचिंग में नहीं आना चाहिए। फिर मैंने कहा चलो हो सकता है कभी घबराहट में जवाब नहीं दे पाए। मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है? बोले कि साहब मैंने कहा चलो ठीक है, हम मुख्यमंत्री के लिए किसको चुनते हैं? बोले कि साहब नहीं पता। अरे मैंने कहा ये चीज़ें तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी पता है, और नहीं है तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप मतलब ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं ना। आप जैसे आप वोट भी करने जा रहे हैं तो आप किस बेसिस पे वोट करेंगे? आपको पता तो होना चाहिए कि इससे क्या बनता है। अब खैर आप में आप तो सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, अब मैं पूछना नहीं चाहता किसी से, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगी, तो मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो विधानसभा जो होती है वो हर राज्य में होती है, विधानसभा के चुनाव में विधायक चुने जाते हैं, और विधायक को से मिलकर के जो है जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक होंगे उस पार्टी की फिर सरकार बनेगी, और उसमें से कोई एक विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बनता है, और बाकी के जो है वो राज्य की कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं और वो राज्य सरकार चलाते हैं। इसी टाइप से केंद्र में हम लोग जो हैं सांसद चुनते हैं। क्या चुनते हैं? ये बड़ी बेसिक बात है, सबको पता होना चाहिए कि हम क्या चुनते हैं, सांसद। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं पब्लिक, आम जनता, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लोकसभा के मेंबर हैं। तो लोकसभा के मेंबर जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा होंगे उसकी सरकार बनेगी, फिर उनमें से कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्या बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और बाकी मंत्री बनेंगे। अब ये जो सांसद जो हम चुन रहे हैं, ये हमारा देश में टोटल 543 सीट है। अब 543 543 सीट में से आधी से ज़्यादा यानी कि 272 हुई, 272 सीट जिस भी पार्टी या गठबंधन के साथ पास होती है उसकी सरकार बनती है। अभी जो कल सरकार बनी वो NDA की सरकार बनी है ना, NDA की सरकार, NDA गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें BJP बड़ी पार्टी है जिसके पास 240 सीटें, बाकी उसके सहयोगी सीटों मिलाकर के 292 सीटें इनके पास, इसलिए वो सरकार बना पाए हैं। अब ये बड़ी फंडामेंटल चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए आपको। अच्छा, ये दो लेवल पर सरकार होती है, एक तीसरे लेवल भी होती है। तीसरा लेवल कौन सा होता है सरकार का? एक और सरकार होती है ना? नहीं नहीं, मैं केंद्र की बात हो गई, मैं स्टेट की बात भी नहीं कर रहा हूँ। एक और सरकार होती है, यस, आपके लोकल गवर्नमेंट। यदि आप गांव में रह रहे हैं तो ग्राम पंचायत, शहर में रह रहे हैं तो नगर परिषद, छोटा शहर है तो, बड़ा शहर है तो नगर पालिका है ना, नगर निगम। अब वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, एक सभापति होता है और जो है एक, जैसे हम बात करते हैं कि नगर निगम की बात यदि हम कर लें तो महापौर होता है, और वो भी उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपके जो है हर वार्ड से पार्षद बनेंगे, जिसके ज़्यादा पार्षद जो है उसका जो है सभापति बनेगा, और महापौर के चुनाव जो है वो डायरेक्ट होते हैं। तो लोकल लेवल पर एक गवर्नमेंट है, फिर एक राज्य के स्तर पर गवर्नमेंट है, और फिर एक सेंट्रल के स्तर पर गवर्नमेंट हैं। तो अब आप यदि सोशल साइंस के टीचर हैं और आप यदि जब ये पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपके पास यदि ये जो
लाइव एग्जांपल चल रहा हो, जो चुनाव चल रहा हो, उसका यदि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये कि आप एक अच्छे खासे कंटेंट को साइड में छोड़ रहे हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, एक और मैंने सवाल किया उसी मैडम से किया था, दूसरी मैडम से किया होगा, मैंने कहा साउथ साइड की कोई तीन राज्य के नाम बताओ, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, सर रिकॉर्ड करना है इसको मोबाइल में, साउथ तरफ के कोई तीन राज्यों के नाम, नहीं नहीं बोलना नहीं, हैंड रेस करना, पहले हैंड रेस करो, जिस जिसको कंफर्म हो वो कंफर्म है वो लोग हैंड रेस करो, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब बाकी जिनको कंफर्म नहीं है वो आज ही इंडिया का मैप खरीद लो, और कहीं ना कहीं तो नहीं तो नेट पे देखो ना आप, तो आजकल हर चीज़ तो है मोबाइल पे अवेलेबल है, तो आप सबसे पहले जा के जो है आज ही मैप देखो, भारत का मैप तो ऐसे आंखों के सामने छपा होना चाहिए। चलो साउथ तरफ की तीन राज्य कौन कौन से हैं, केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, और एक और था उधर थोड़ा नीचे और रह गया, तेलंगाना भी, और कर्नाटका नहीं है, अच्छा ठीक है। फिर मैंने पूछा कि वेस्ट तरफ कौन से तीन राज्य के नाम बताओ, कोई तीन राज्य के कौन कौन से, सर आपको पता है इसलिए आप थोड़ा बाद में बोलो, मध्य प्रदेश तो मध्य में ही है ना मैडम, नहीं ऐसे तो हर राज्य दो के दो टुकड़े कर सकते हैं, एक ईस्ट में होगा तो एक वेस्ट में होगा, ऊपर वाला टुकड़ा नॉर्थ होगा, नीचे वाला टुकड़ा साउथ होगा, वो तो हर राज्य है, और हर राज्य क्या ये वो तो ये रूम मान लो, उस साइड वाला नॉर्थ है साउथ, वो तो हर जगह रहेगी, पर लेकिन फिर भी जिन्हें हम वेस्ट में कितने कंसिडर करेंगे, मैप आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैप आपके दिमाग में इस समय आना ही चाहिए। अब वैसे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार नहीं हूँ, पर लेकिन कम से कम ये मैप तो थोड़ा बहुत तो मैं मुझे आइडिया है, मतलब शायद तक ऐसे ही कुछ है, मैं सही बना रहा हूँ, ऐसे कुछ है, थोड़ा बहुत अलग होगा, अलग है होगा क्या, ऐसे ही कुछ मैप है, अरे ऐसे ही कुछ है, यहाँ पे कौन सा राज्य है वेस्ट मोस्ट में, बिल्कुल वेस्ट में कौन सा राज्य है, हो गया, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि कंटेंट इज मस्ट। आपके पास यदि आपके पास जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सामग्री नहीं, वो आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है, तब तो फिर हो गया बंटा डाल। अब इस स्टोरी पर भी अपन आएंगे, हम भारत देश के वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो भारत देश के वेस्ट तरफ कौन है, वेस्ट यानी कि इधर सूरज उगता है ईस्ट है, इधर ढलता है वेस्ट है, और इस तरफ गुजरात है ना गुजरात सर, अच्छा इधर इस गुजरात यहाँ है मान लो, तो इसके जस्ट इस साइड में यहाँ पर ये कौन सा राज्य गुजरात से जुड़ा हुआ राज्य, महाराष्ट्र की क्या खूबी है, क्या क्या बात खास है महाराष्ट्र की, बताइए आप लोग थोड़ा खुलिए, आप लोग अपने आप को बच्चा समझिए, अच्छा वहाँ पर जो है मतलब जो है कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर जो है सीप से हाँ बाहर जा सकते, और क्या देश की आर्थिक राजधानी बम्बई है, और क्या बात है, समुद्र है, हो गई बात कोस्टल एरिया, और मराठी बोलते हैं की चांगलिया, मुझे पता नहीं खिलाती नहीं, हाँ दो ज्योतिर्लिंग है, चलो वाह ये भी बात हो गई, और गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, और क्या गोदावरी नदी वहाँ पर, और क्या बात है,
क्या जन्माष्टमी का फेस्टिवल भी जोर से मनाते हैं सर, वहाँ गणपति जी का ज़्यादा फेमस है, वो तो बेसी बात है हर जगह मनाते हैं, पर वो यदि यहाँ के लिए फेमस है तो फिर मथुरा को क्या बोलेंगे आप, वृंदावन को क्या बोलेंगे आप, या गुजरात में द्वारिका है तो वहाँ उसके बारे में क्या बोलेंगे आप फिर, हाँ और क्या बात है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बॉलीवुड है वहाँ पर, बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ पर, वहाँ पर जो है दिन दिन। आप कहें ना अमिताभ बच्चन है, वहाँ पे गोविंदा है, वहाँ पे ऋतिक रोशन है, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर। अच्छा अभी कल ही जो है एक व्यक्ति का निधन हुआ है जिनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, वो कौन है, पेपर पढ़ा करो थोड़ा बहुत, पेपर पढ़ो तो करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहेंगे। वेरी गुड, क्लेफर हिम रामोजी राव फिल्म सिटी, उन्होंने जब फिल्म बनाना स्टार्ट करी बोले यार बार बार कहीं भाग जाना पड़ता है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ कहाँ कहाँ जाऊँ, एक फिल्म सिटी बना दी और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है वो शायद, है ना, एशिया के तो नंबर वन है ही, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है वो, और हर टाइप की चीज़ें हैं उसके अंदर, हर टाइप की शूटिंग हो जाती है, 15-16 फिल्में एक साथ शूट हो सकती है। अब ये सब क्या है, ये सब कंटेंट है, ये सब चीज़ें आपकी किताब में शायद नहीं भी मिले, पर ये सब चीज़ें टीचर के पास होना चाहिए, राइट है करोगे कि जब आप बात करने जा रहे हैं तो उस चीज़ पर खाली इतना सही पता है जितना उस किताब में लिखा हुआ है, तो फिर तो वही बात हो गई नहीं कि जिसके जो एक गरीब दूसरे गरीब को क्या देगा, हैं, एक के पास होगा तभी तो दूसरे के पास दे पाएगा ना, क्यों मैडम, सही बात है कि नहीं, अरे बोलो ना सही बात है, सही बात, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस तरफ एक गुजरात के पास में एक बड़ा सा राज्य है, क्या नाम है, राजस्थान, क्या खासियत है, खाना अच्छा है, अच्छा और खाना तो सब जगह अच्छा ही मैडम, पानी की कमी भी, मरुस्थल एरिया भी है, पूरा मरुस्थल नहीं लेकिन मरुस्थल एरिया भी है, हाँ और क्या चीज, एंशियंट चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, और जो है सबसे मेन चीज़ जो आप आर्ट के लिए बहुत फेमस है और शिल्पकारी के लिए बहुत फेमस है ना, आप लोग कभी गए होंगे जयपुर, हवा महल है ना आप, और बहुत सारे महल हैं, हवा महल क्या, तो और क्या खास बात है राजस्थान की, क्या कैक्टस प्लांट भी होते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है ना, ठीक है, पुष्कर का मेला लगता है, और बताइए, और बताइए आप राजस्थान के बारे में क्या जानते हैं, और बताइए आप क्या, घूमर डांस फेमस है, अरे वहाँ की खास बात महाराणा प्रताप है, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे हम लोग, शिवाजी, चित्तौड़ है, हमारा जो है हमारा रानी पद्मावती, हमारा बलिदान का इतिहास है वो, कुरुक्षेत्र राजस्थान में ही है मैडम, हरियाणा में होता आजकल, पहले भी वहीं था, अच्छा ठीक है, हरियाणा कहाँ है, राजस्थान से जुड़ा हुआ ही है ना, यहाँ इस साइड तो खैर पंजाब आ गया है और हरियाणा इस साइड में है, और हरियाणा से जुड़ा हुआ ही यूपी भी है, और यहाँ पर है दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बीचों बीच है ना, और ये जो है हमारा हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की क्या खासियत है बताइए आप, नदियाँ होती है, नदिया का क्या माइका, अच्छा एमपी क्या, वो तो इंदौर जाना जा रहा है, एमपी में इंदौर है, अच्छा ठीक, और क्या पन्ना में डायमंड है, निकलता ही नहीं लेकिन, क्या बाग ज़्यादा है, अच्छा और सोयाबीन खेती ज़्यादा होती है, और क्या
एरिया वाइज अब बड़ा नहीं है, अब राजस्थान बड़ा है, वो पहले था छत्तीसगढ़ राजस्थान दोनों था तब। और हाँ, और क्या है, अहिल्याबाई। अहिल्याबाई के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं आप अहिल्याबाई के बारे में? यह भी हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है। अहिल्याबाई बिल्कुल बिल्कुल इतनी न्याय, मतलब जो है बहुत न्यायप्रिय राजा रही हैं वो। महेश्वर में आप महेश्वर गए हो तो, नहीं गए तो जाना, भले पास में ज़्यादा दूर नहीं है। तो महेश्वर का किला यदि आप देखेंगे ना, नदी के किनारे इतना बड़ा किला शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यदि आप महेश्वर नहीं गए तो आप जाना मतलब, और काफ़ी बहुत ही बहुत सुंदर जो है घाट बना हुआ है। अच्छा, आप देखेंगे महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार किसी समय पर अहिल्याबाई ने करवाया, सोमनाथ का जीर्णोद्धार या नए सिरे से जो मंदिर बनाया वो अहिल्याबाई ने बनवाया। ऐसे और भी जैसे मैं जहाँ पे रहता था एक जगह, वहाँ पर भी हम जो मंदिर है वो अहिल्याबाई ने बनवाया है। इधर एक पास में एक सुदर्शी करके एक जगह है, वो वहाँ मंदिर जो अहिल्याबाई ने बनाया। ऐसे बहुत सारे शिव मंदिर उन्होंने बनाए। और इसके अलावा यदि आप देखेंगे कि न्याय की यदि बात की जाए तो महेश्वर की बात शायद है, जो भी उनका एक उनका जो लड़का है वो शायद उसने कोई गुनाह किया तो जो है उसको हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, खुद के बेटे को। ठीक है, यहाँ जो है माँ थोड़ा सा बच्चे को कुछ होता है तो दुख मनने लग जाए, बच्चों के गुनाहों को भी छुपाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए हमारे ऐसे लोगों से, हमारे इस इतिहास से सीखना चाहिए कि जो है हर बात पे, गलत बात पे किसी को बचाने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलना ही चाहिए, नहीं किया तो जबरदस्ती नहीं देने का। और छोटी मोटी चीज़ माफ भी कर सकते हैं, गुनाह की बात कर रहा हूँ, क्राइम की बात कर रहा हूँ, गलती की नहीं। हर गलती की सजा होना ज़रूरी नहीं है, सजा गुनाह की होना चाहिए, गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। खैर, फिर यदि हम बात करते हैं तो इस साइड वाला, अच्छा ये तो हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, तो ये कौन सा एरिया हुआ, ईस्ट। और बंगाल कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर। अब ये मैं आपको बिल्कुल फ्रेश नई बात बता रहा हूँ। आप ये वाला जो एरिया है ये ईस्ट है, तो सॉरी वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये कौन सा हुआ, ईस्ट। ईस्ट में ये आप लोग सुना होगा सेवन सिस्टर्स हैं, मतलब छोटे छोटे राज्य हैं, है ना, पूर्वी राज्य। और यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल। ये साइड कौन सी है, ईस्ट है, साइड कौन सी है, ईस्ट। और बंगाल कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। इसीलिए भी आपसे मैंने पूछा था तो आपने बोला कि वेस्ट बंगाल जो है वेस्ट में, नहीं ये बात बच्चों के दिमाग में भी होगी कि वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट में होगा, नहीं, बंगाल का वेस्ट, वेस्ट बंगाल। तो यदि बंगाल का वेस्ट है तो ईस्ट कहाँ गया, बांग्लादेश। ये आपको शायद पता होगी, बहुत सारों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में आप लोग जानते हैं इस वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान है ना। अब ये पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ है ना। इस बार बात को कोई छुपा के दबा, हम लोग जब भी धर्म वाली बात आती है तो बड़ा छुप जाते हैं, मतलब थोड़ा संभल के बात करते हैं कि कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें। गलत मत बोलिए ना, जो बोलना है सही बोलिए, जो है वो तो बोल ही सकते हैं जो है। तो ये बात तो तय है कि जो है धर्म के आधार पर ही हुआ था बंटवारा। तो इस वाले एरिया में मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और इस वाले एरिया में भी ज़्यादा थे, और कुछ और भी एरिया थे, उनको उनका बाद में उनका क्या हुआ वो एक अलग मसला है, बता दूंगा आपको मैं। पर पाकिस्तान को एक तो याला एरिया मिला, सिंध वाला पंजाब वाला एरिया मिला, सिंध पंजाब वाला एरिया मिला, और एक ये वाला एरिया भी मिला था, उस ये वाला एरिया भी उसके पास था।
ये तो इसको उन्होंने नाम दिया ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट में था, और ये तो वेस्ट में आज भी है ही सही। अब ये ईस्ट पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ में था, और ये जो है 1971 तक भी इनके पास में ही था। पर एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक युवा मुक्ति वाहिनी करके जो है यहाँ एक आंदोलन टाइप से चला, और वो आंदोलन में जो है यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो सेना थी वो जो उस आंदोलन को कुचलने के लिए मतलब फोर्स लगा रही थी। तो फिर हमारे देश की गवर्नमेंट ने हेल्प किया, जो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने आर्मी भेजी यहाँ पर, और आर्मी भेज करके जो है वहाँ जो जो पाकिस्तानी सेना थी उससे उसने सरेंडर किया, मतलब वो हार गए। तो 1971 की वार इसी के लिए हुई थी, इस मसले को लेकर के ही हुई थी। तो 1971 में यहाँ जो वार हुई, उस वार में 93,000 जो है 93,000 सैनिकों ने जो है पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया भारतीय सैनिकों के सामने। सरेंडर किया मतलब कि भाई ठीक हम नहीं लड़ रहे, समझते ना इतना दौर। तो सरेंडर किया और इसको आज़ाद करवाया, और आज़ाद करवाने के बाद फिर ये एक नया देश बन गया जिसका नाम बांग्लादेश है। तो ये जो वेस्ट बंगाल हमारे पास है, और जो ईस्ट बंगाल था वही आज क्या है, बांग्लादेश है, वही आज क्या है, बांग्लादेश है ना, ठीक। तो ये ईस्ट बंगाल था किसी ज़माने में, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और 1971 के युद्ध के बाद में ये क्या बन गया, बांग्लादेश, और वहाँ का इंडिपेंडेंट जो है ये देश बन गया। तो इसलिए जो बचा हुआ जो हिस्सा है ये इस साइड में, वेस्ट साइड में, इसलिए वेस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल था, क्लियर है बात है। इस ये बंगाल के जस्ट नीचे इस साइड में एक राज्य है, ये कौन सा राज्य है, यहाँ पर भी लोगों थोड़ी सी जो है मतलब बंगाली टाइप से बोली बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं वैसे वो, पर वो बंगाली से मैच खाती है। उड़ीसा, वेरी गुड, ये सबको पता होना चाहिए, जोर से बोलो क्या, उड़ीसा। तो उड़ीसा, उड़ीसा जो है वो राज्य है, उड़ीसा वो ये राज्य है जो जस्ट पश्चिम बंगाल से जस्ट इस साइड में, निचल साइड में, जैसे हम यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साइड में फिर गोवा और कर्नाटक आ जाता है, इस तरीके से इस साइड में हम देखेंगे कि कर्नाटक तो काफ़ी नीचे तक जाता है, पर हाँ ये आंध्रा बीच में है, आंध्रा तेलंगाना, और इस साइड में फिर जो है अपना उड़ीसा है, और ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास में अपना छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की बाउंड्री टच होती है। और उड़ीसा में अभी अभी एक खास इवेंट हुआ है। अच्छा बताओ उड़ीसा के बारे में क्या खास खास बातें जानते हैं आप, पहले सबसे पहले अपने देश को तो जानो भाई। मैं देखिए कोई बात बोलने की बजाय वो चीज़ करके दिखाई जाए तब तो हमें, तब तो हमारी बात जो है सार्थक रहेगी। अब मैंने बोला कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तो मैं आपको एक कंटेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि भारत के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए भाई। क्या पढ़ा रहे होंगे मोस्टली, सबसे पहले तो देश के बारे में ही पढ़ा रहे होंगे, और साइंस भी पढ़ा रहे तो देश में कहाँ ये चीज़ मिलती है, सोल साइंस पढ़ा रहे तो सोल साइंस का तो ये पार्टी बनता है। खैर उड़ीसा के बारे में क्या खास जानते हैं आप, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और क्या चीज, अच्छा, और जगन्नाथपुरी हमारे चार धाम में से एक है, और क्या क्या है, हाँ कोस्टल एरिया है, और अच्छी बातें हैं, और अच्छा वहाँ पे राजनीतिक पार्टी कौन सी रही लंबे समय तक, ये देश में राजनीतिक बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और लोग वोट करने जा रहे हैं। वहाँ पर बीजेडी रही लंबे समय तक, बीजेडी, बीजू जनता दल, और बीजेडी जो है वहाँ पर पिछले 25 सालों से, और अभी 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 जब ये चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसके साथ में वहाँ पे विधानसभा के चुनाव भी थे, तो वहाँ पर जो है बीजेपी वहाँ पर जीत गई है। अब जो है वो वहाँ पर विधानसभा में भी बीजेपी की सरकार रहेगी, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी वहाँ अब बीजेपी का बनेगा, अभी जो इलेक्शन हुए भाई। ये लेटेस्ट करंट अफेयर है, ये इतना तो हम जागरूक हम होना चाहिए हमें, क्या हम टीवी नहीं देखते,
और टीवी में देखते हैं तो बोगस शो देखते रहते हैं। वो सासू आई, क्यों तूने बर्तन नहीं मांजे, तूने बर्तन नहीं मांजे, तूने बर्तन नहीं मांजे। अच्छा, वो बहू आएगी, सासू माँ मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। ओ भाई, आप जो है बार बार देख रहे हैं और जो है आपके बच्चे भी फिर इस हिसाब से चीज़ें देख रहे हैं, आपके बच्चे भी वो ऐसे वो देखते हैं वो ब्लॉग जिनमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बाहर घूमने जा रहे हैं, कुत्ते को ठेला रहे हैं और वो क्या सब्जी बना रहे हैं, वो कुछ भी कर रहा है, वो बता रहा है और बच्चे देख भी रहे हैं बड़े आराम से। कोई नॉलेज किसी दिखाइए ना उसको, कुछ तो चीज़ें वो सीखने को देखने को मिलेगी उसको, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद भी कोई नॉलेज किसी देखिए ना, आपके सब्जेक्ट की तरफ तो आप जागरूकता बढ़ाइए एक बार। मुझे कसम खा के बोलिए, आप में से किसने पिछले 2 महीने में अपने सब्जेक्ट के वीडियो देखे? 4 लोगों ने 5 लोगों ने हाथ उठाए हैं, चलो मान लेते इन्होंने देखे होंगे, बाकी लोगों क्या 25 में से 5 लोग हाथ, यानी 20 लोगों ने देखा तक भी नहीं, जबकि वीडियो तो खूब देखे होंगे। ऐसा कोई है जो यहाँ पे ये बोल सके कि मैंने मोबाइल उठा के देख, मतलब मैंने वीडियो ही नहीं देखा एक भी? कोई है क्या यहाँ पर ऐसा? 2 महीने से मैंने मोबाइल देखा ही नहीं, ऐसा कोई है क्या? 2 महीने से मैंने मोबाइल देखा ही नहीं ऐसा बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने पिछले 2 महीने से एक भी वीडियो मेरे सब्जेक्ट का या मेरे काम का नहीं देखा ऐसे बोलने वाले 25 में से 20 लोग मिल रहे हैं ना। तो कंटेंट आएगा कहां से? जिस देश में रहते हैं उस देश के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता नहीं हमको, जिस देश में रहते हैं उस देश के राज्यों के नाम पता नहीं हमको, जिस देश में रहते हैं उस देश में सरकार कैसे बनती है पता नहीं हमको, तो इस देश में जागरूकता कैसे आएगी माय डियर? जब पढ़ा लिखा आदमी ये बोले कि मुझे ये नहीं पता है कि जो आप प्रधानमंत्री कैसे बनता है या मैं तो वोट डालने नहीं जाता, तो एक अनपढ़ आदमी से क्या आशा करना चाहिए? राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। उड़ीसा के पास में इधर कौन सा राज्य है? इधर नहीं, थोड़ा और आ जाओ, यहाँ पर कौन सा राज्य है? यहाँ से अभी एक नेता फेमस हुआ, अन्नामलाई। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे तक की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु। और इधर साइड में इसके पास वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरला। और इधर और इसके ऊपर कर्नाटक, वो है इधर पूरे पूरे कवर हो रहा है। और यहाँ मतलब आंध्रा और तेलंगाना है जो इस वाले एरिया में हो गए, पहले आंध्र प्रदेश एक ही था और तेलंगाना इस साल अलग हो गया। तेलंगाना की राजधानी क्या है? क्या किसी? हाँ, और आंध्र प्रदेश की क्या है? हाँ, हैदराबादी है, नहीं अमरावती है, अब बन गई है क्योंकि वो राज्य अलग अलग हो गए। और आंध्र प्रदेश में अभी भी सरकार नहीं बनी है। किसकी बनी है? कौन सी देश की बनी? टीडीपी। टीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी जो बीजेपी के गठबंधन के साथ में बनी है, और उनके 16 सांसद भी है जो कि इस गठबंधन वाली सरकार में शामिल है। तो इस मायने से भी वो जो है वो राज्य काफ़ी मायने रखता है। आप किसी एक फील्ड को ही ठीक से फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत सारे फील्ड का नॉलेज, आपको ऑटोमेटिक नॉलेज हो जाएगा। आप राजनीति को ही फॉलो कर लीजिए तो आपको सारे राज्य का पता चल गया कि कौन से राज्य में क्या है। आप अर्थशास्त्र को फॉलो कर लीजिए तो आपको पता चल जाए कौन से देश में क्या चल रहा है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये दिल्ली है, इधर इस साइड में कौन सा राज्य है? ऊपर पंजाब, और इस साइड में और ऊपर जम्मू कश्मीर, और इधर उत्तराखंड, इसके पास में उत्तर प्रदेश, और इधर जो पास में है झारखंड, और फिर बिहार। बिहार और ये बिहार के पास में पश्चिम बंगाल जो है टकरा जाता है इससे, और फिर जो है आपके बाकी 7 सिस्टर्स जो है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम हो गए।
ये हो गया देश का नक्शा। अब ये देश के नक्शे को घर पर जाकर आप और स्टडी कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आप कंटेंट को देखें, जितना ज़्यादा कंटेंट आपके पास होगा उतना आप खूबसूरती से आप बोल पाएंगे। बोलने में भी खूबसूरती होती है भाई साहब, आप सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं। बोलने में खूबसूरती कब आएगी? जब आपके पास कंटेंट होगा। एक और चीज़ है जो मैं फुल एंड फाइनल आपको मैं बात में सबसे पहले बोलता हूँ, पर आज थोड़ा एंड में बोल रहा हूँ मैं, कि जब भी आप पढ़ाने जा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त आप एक फार्मूला अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि जब भी आप किसी को पढ़ा रहे हैं, मान के पढ़ाइए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, सामने वाले को कुछ नहीं आता और उसको सब कुछ सिखाना है। जो बात हमने हमारे पास हमारे जिस तरीके से हम समझ रहे हैं उसको वो बात पहुंचना चाहिए, पर वो कब पहुंचा पाएंगे? जब आप ये मानेंगे कि सामने वाले कुछ नहीं आता, तो फिर क्या आप चीज़ें बेसिक से बताएंगे, सीक्वेंस से बताएंगे, तो उसको क्या है समझ में आएगी। हम ये मान के चले इसको तो ये तो आता ही होगा, चलो इससे आगे बढ़ता हूँ, और उसको तो वही नहीं आता था जो तुमने छोड़ दिया। तो इसलिए एक कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि भाई जो चीज़ पीछे पड़े उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। खैर, तो आज हमने बातचीत की कंटेंट के बारे में। सेवन सीज में हम लोग और भी चीज़ें हैं। सेवन सी में हम लोग पहला बात हमने कंटेंट पे पढ़ेंगे, दूसरी बात हम करेंगे कम्युनिकेशन पर कि हम कम्युनिकेशन क्या है, कैसे इफेक्टिव बनाएं। और हम हमारे लिए सिर्फ एक जरिया है, वो एक शब्द है, और उससे फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे। फिर कंसिस्टेंसी, फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, और फिर क्यूरियोसिटी, और फिर कोऑपरेशन और केयर की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग जो है और फर्दर स्टडी करेंगे। आप लोग अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लें और सिलेबस की आप लोग तैयारी करके लाएँ। दो चार दिन पहले मैं आपको कुछ ज्ञान बांटूंगा, फिर मैं आपको भी मौका दूंगा कि आप भी ज्ञान बांट पाएँ और आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएँ। अपने आप को इम्प्रूव करने के मौके बहुत कम मिलते हैं, उनको भुलाना चाहिए। शादी में गए हैं, बोलते ना भाई सब ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, शादी ब्याह, शादी वगैरह जो है, शादी या कोई फंक्शन वगैरह कि लोगों के मिलने के लिए कर रहे हैं। किस लिए बोल कर रहे हैं? क्या आपस में लोगों को मिलेंगे तो सामाजिक वो सौहार्द बढ़ेगा ये वो? पर शादी में जाके करते क्या हैं? शादी में जाके बढ़िया, मतलब कोई सामने वाला आपको पहचानता नहीं, फिर भी उसने यदि नमस्कार कर लिया आप भी नमस्कार कर लेंगे, ये भी नहीं उससे हाथ मिलाए, उससे बातचीत करें, उससे नाम तो पूछें। और वो सामने वाला भी बड़ा होशियार है, वो जो है उसको बोल दो कि यार मैंने आपको पहचाना नहीं, ये आपका नाम क्या है? आपने मुझे नहीं पहचाना? मुझे पहचाना नहीं आपने? हाँ भाई नहीं पहचाना। वाह यार, वो उसको बताओ तो सही आप, तो वो बताने में भी बड़ा जो भाव खाएगा। खैर, आपको ऐसा हमको ऐसा नहीं होना चाहिए, खैर बताना चाहिए। तो कम्युनिकेशन करने का जब हमें मौका मिलता है हम लोग करते नहीं, हम लोग जो है उसे जी चुराते हैं, भागते हैं। प्रेजेंटेशन देने का जब जो मौका मिलता है हम लोग बीच ही चुराते हैं, अरे बाप ये बाकी सब देख रहे क्या करेंगे। अरे बाकी सब कोई आपके दुश्मन नहीं है, और ये जो सोच होती है ना आमतौर पर स्कूलों में होती है, मैं भी टीचर रहा हूँ, होती है कि बाकी टीचर से एक टीचर कॉम्प्लेक्स फील करता है, हाँ ये लोग मेरे बारे में कुछ सोच रहे होंगे। अरे कोई कुछ ही सोच रहा है, तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, ये फालतू बातें हैं, कुछ कोई सोच सोचता है, और जो भी सोच रहा है सब अच्छे सोच रहा है। आप ये सोचना स्टार्ट करो कि लोगों अच्छे हैं, आपको अच्छे लगने लग जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो आपको दुनिया पूरी बुरी नज़र आ रही है। बाकी किसी को कोई फुर्सत नहीं है कोई आपके लिए जो है वो कोमोलिका बने, और वो जो है वो आपके लिए वो जो है वो साजिशें करे। कोई साजिशें नहीं करता है, कोई किसी को लेन देना नहीं। आप क्लासरूम में जा रहे हैं, आप किसी दूसरे टीचर के बारे में आप बेइज्जती ना करें या दूसरे बारे में ना बोले, आप उसकी इज्जत करिए ना। आप दूसरों की इज्जत करेंगे आपकी कौन इज्जत नहीं करेगा? यदि आपको कोई इज्जत नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपको जब मौका मिला तो आपने दूसरों की इज्जत नहीं करी, तो
तो आप लोगों के आप लोगों ने आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आप चालबाजियाँ करते रहते हैं, आप एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरा भी करेगा। इन चीज़ों का तवज्जो देना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ो लाइफ में, आगे बढ़ते रहो, यही फंडा लेके चलना है। तो आप लोग जो है बढ़िया एक अच्छा सक्सेसफुल करियर लेके जाएंगे। पढ़ाई करें, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, बढ़िया पढ़ाई करें, कुछ और नया पढ़ें, बढ़िया बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ें। कहाँ पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो है बिल्कुल बिंदास तरीके से यहाँ पर रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे और कुछ भी बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी मैं आशा नहीं करता हूँ। और आप लोग जो बड़ा सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, ऐसी मैं ऐसा आशा रखता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।